तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी 39 का जो अपडेट आने वाला है हमारे गेम में, तो क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा हमारे गेम में। आज की इस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा आप लोगों को। और चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहले आप क्या कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा, तो आपको कैरेक्टर ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको देख सकते हो इधर 5 पीसेट दिखेगा इधर आप लोग को। तो इधर आप लोग कैरेक्टर सजा सकते हो, एक कस्टम के लिए, एक बीयर रैंक के लिए, एक सीएस रैंक के लिए। ऐसे आप लोग सारा पाँचों आप पीसेट देख सकते हो, ऐसे आप लोग सजा सकते हो। तो इधर नाम भी लिख सकते हो, जैसे देख सकते हो मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे को ये कस्टम के लिए चाहिए तो मैं इधर लिखता हूँ कस्टम। तो आप लोगों को जो जिसके लिए चाहिए वो आप लोग लिख सकते हो एंड आप लोग कैरेक्टर स्किल सेट कर सकते हो। एंड पेट भी आप लोग सेट कर सकते हो, कौन सी पीसेट में आपको कौन सा पेट लेना है, सब कुछ आप लोग सेट कर सकते हो। ये था पहले चेंज। तो इसके बाद आएगा हमारा इस गेम में एक नया कैरेक्टर। तो ये देख सकते हो, ये कैरेक्टर ओरियन कैरेक्टर आप लोग देख सकते हो। इसका एबिलिटी क्या होने वाला है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपका जो ईपी है वो 300 तक हो सकता है इस कैरेक्टर का, मतलब कि इस कैरेक्टर का आप ले लेते हो। तो देख सकते हो जो आपका ईपी होता है मशरूम वाला ईपी, देख सकते हो 300 है, मतलब कि 300 ईपी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये कैरेक्टर स्किल काम करता है आप लोग का, अगर 150 ईपी रहता है, देख सकते हो मशरूम में खा रहा हूँ क्योंकि ईपी चाहिए इस कैरेक्टर को चलाने के लिए। तो आप लोगों को 150 ईपी रहता है आप लोगों के पास, तो तब भी ये कैरेक्टर आपका काम करेगा। और 150 ईपी नहीं रहता है तो आपका ये कैरेक्टर स्किल नहीं काम करेगा। तो एबिलिटी बता देता हूँ, चलिए देख सकते हो मेरे को एक एनिमी मार रहा है। जिस जैसे मैं कैरेक्टर को चला है, देख सकते हो 15 का डैमेज पड़ेगा एनिमी को। एंड आप लोग इस कैरेक्टर को चला के आप लोग फास्ट भाग सकते हो। एंड इसका जो 150 का एपी रहता है आप लोगों के पास, तब भी ये कैरेक्टर स्किल काम करेगा। और 150 एपी नहीं रहता है तो ये कैरेक्टर स्किल काम नहीं करेगा, पहले ही बता देता हूँ। तो इसके बाद जो हमारे गेम में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देख सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड नया आएगा कि नया आएगा वो मुझे पता नहीं है, जो मेरे को दिखा वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो इधर दोनों जो करना का जो इधर बॉट खड़ा रहता है वो दोनों खड़ा रहेगा इधर, देख सकते हो। एक को अगर मारोगे तो एक गिर जाएगा एंड दूसरा वाला नहीं गिरेगा। तो इसके बाद जो हमारा गेम में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो है मिल में। तो मिल में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो इधर जो कवर लेने का एरिया था इधर, तो कुछ हटा दिया गया, देख सकते हो आप लोग। इधर आप लोगों को जो सीएस रैंक खेलते हो तो इधर देख सकते हो जो कवर था वो कवर इधर हटा दिया गया है। एंड टायर भी, जो टायर से आप जंप करके ऊपर जाते हो तो इस घर के ऊपर, वो भी हटा दिया। इधर ही और एक चेंज किया है गरेना वालों ने, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए नीचे चल कर दिखा देता हूँ क्या चेंज किया है गरेना वालों ने। तो चलिए पहले इस एनिमी को मार लेते हैं। मारने का देख सकते हो जो ऊपर इधर से ऊपर उठने वाला जो सीढ़ी था, देख सकते हो बहुत ही गैप था, वो गैप इधर फिल कर दिया गया है, मतलब कि गैप नहीं रहेगा इधर, देख सकते हो। एंड इजीली आप लोग उठ सकते हो। तो उधर से जो एनिमी ऑपोजिट में जो एनिमी आता था वो इधर इजीली मार देता था, इसलिए इस गैप को हटा दिया गया है, देख सकते हो इधर गैप नहीं है, पूरा का पूरा सीढ़ी देख सकते हो बना दिया गया है इधर। तो ये चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आप लोगों को क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा, इधर जो स्टोर था बड़ा वाला स्टोर देख सकते हो, तो ये स्टोर को ये क्या चेंज किया है, देख सकते हो इसका जो कलर था वो सिर्फ चेंज किया गया है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, मतलब कि जो कलर था वही चेंज हुआ। इसके बाद जो क्या चेंज किया है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद हमारा जो टावर था, टावर वाला एरिया, तो आप लोगों को इधर जो टावर दिख रहा हो छोटा वाला टावर, देख सकते हो ये टावर, तो हर जगह में ये टावर को चेंज किया गया है, मतलब कि देख सकते हो पूरा का पूरा इधर खुला छोड़ दिया है गरना वाला ने, देख सकते हो। ऐसे आप लोगों को इधर कवर नहीं मिलेगा, चलिए ऊपर चल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक साइड से कवर मिलेगा तो दूसरे साइड से एनिमी आप लोगों को इजीली मार सकते हैं, देख सकते हो ऐसा कर दिया गया है। आप लोग इधर बैठते हो, मतलब कि पुश करने बैठते हो, तो पीछे से बंदा मार सकते हैं, साइड से बंदा मार सकते हैं, मतलब कि पूरा खुला छोड़ दिया है इस टावर। तो ये था टावर वाला चेंजेस। एंड इसके बाद आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा आपको पोचिनोक में। पोचिनोक में क्या चेंजेस किया है, चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। इधर जो फाँका टाइप कर रहता था, देख सकते हो इधर कवर लेने का एरिया नहीं था, देख सकते हो इधर कवर देने के लिए, देख सकते हो छोटा छोटा इधर बॉक्स रखा गया है, मतलब कि आप लोग कवर ले सकते हो, पूरा का पूरा इधर खुला नहीं छोड़ा गया, आप लोग थोड़ा थोड़ा कवर देख सकते हो, कवर दिया गया है इधर, आप लोग कवर ले सकते हो। तो आप लोगों को ये चेंजेस देखने के लिए मिलेगा अपडेट के बाद। तो इसके बाद हमारा जो चेंजेस हो क्या चेंजेस किया है करने वाला, चलिए दिखा देता हूँ, मतलब कि नया सेटिंग आने वाला है। तो चलिए आप लोगों को सेटिंग दिखा देता हूँ। तो आप लोग सेटिंग देख सकते हो, इधर रिकॉर्डिंग बोल के एक सेटिंग आ गया, नया सेटिंग आएगा। तो देख सकते हो इधर रिप्ले सेटिंग है, मतलब कि लॉबी रिकॉर्डिंग सेटिंग है, मतलब कि इधर सब रिकॉर्डिंग वाला सेटिंग दिया गया है। आप लोग इधर से पूरा खुला
रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो एंड रिकॉर्ड कर सकते हो। सब कुछ इधर दिया गया, हाई क्वालिटी भी दिया गया, लो क्वालिटी, मीडियम, सब कुछ आप लोग ग्राफिक्स देख सकते हो। एंड इसके बाद आ जाएगा नया और एक सेटिंग ऐड किया है, वो है नेटवर्क वाला। तो नेटवर्क सेटिंग में जा सकते हो आप लोग, आपका जो नेट का प्रॉब्लम है आप लोग सही कर सकते हो। मतलब कि आप लोग पहला जो नेटवर्क का सेटिंग है, या अगर आप लोग ऑन रखते हो एंड आप लोगों को आप वाईफाई लगा हुआ है, आप लोग वाईफाई ऑन कर सकते हो एंड मोबाइल का डाटा भी ऑन कर सकते हो, दोनों एक साथ काम करेगा। मतलब कि जो हाई स्पीड रहेगा उससे आपका जो पिंग चलेगा, मतलब कि नेट चलेगा आपका गेम का। तो ऐसे आप लोग जो ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग है, पहला वाला सेटिंग, ये आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड नीचे वाला जो डैमेज नंबर है, तो इधर अपडेट के बाद जो भी हमारे गेम में सेटिंग आता है नया सेटिंग, तो और एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए और एक वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा नया सेटिंग के बारे में। तो इसके बाद जो हमारे गेम में क्या कुछ चेंज होगा, मतलब कि क्या कुछ आएगा, चलिए दिखा देता हूँ। तो हमारे गेम में अपडेट के बाद देख सकते हो एल्बरो जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपका इलाइट देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि इलाइट कर सकते हो एल्बरो कैरेक्टर को। एंड इसका क्या एबिलिटी होने वाला है, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। तो एल्बरो जो कैरेक्टर है, आप लोगों को चेंजेस मतलब कि इलाइट एल्बरो देखने के लिए मिलेगा। तो इससे क्या होगा, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूं। इधर आप लोग इस कैरेक्टर को लेकर आप खेलते हो, आप लोग ग्रेनेड यूज़ करते हो, देख सकते हो एक मैंने ग्रेनेड मारा, देख सकते हो इधर तीन हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग एक ग्रेनेड मारोगे तो तीन ग्रेनेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस इलाइट कैरेक्टर को ले लेते हो, एल्बरो कैरेक्टर को, तो देख सकते हो एक ग्रेनेड आप लोग मारोगे तो तीन ऐसे आप लोगों को ग्रेनेड देखने के लिए मिलेगा एक ही ग्रेनेड में। तो आप लोगों को ग्रेनेड में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा इस कैरेक्टर को ले लेते हो आप लोग। तो देख सकते हो इधर तीन ग्रेनेड हो जाएगा, देख सकते हो तीन ग्रेनेड हो गया। ऐसे आप लोग इधर मतलब कि यूज़ कर सकते हो तीन ग्रेनेड इस कैरेक्टर को लेकर। एंड इसके बाद जो हमारा चेंजेस आएगा वो है माइक के ऊपर, देख सकते हो इधर वॉल माइक सेट, मतलब कि वॉल माइक दिया गया है। इधर आप लोग एनिमी से भी बात कर सकते हो गेम खेलते वक्त, मतलब कि अगर आपके सामने कोई एनिमी आ गया, आप लोग एनिमी को बोल सकते हो मेरा मेडिकेट नहीं है, ऐसा कुछ आप लोग बोल सकते हो। मतलब कि वॉल पे आप लोग बात कर सकते हो, एनिमी से भी आप लोग बात कर सकते हो। एंड ग्रुप का भी ऑप्शन है एंड वॉल का ऑप्शन है, एंड ऑफ भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ आप लोगों को माइक में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो है रिवाइवल जो कार्ड है, मशीन में जो रिवाइव होता है, देख सकते हो वो सुपर रिवाइवल कार्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप लोगों को दिखा, देख सकते हो इधर आप लोग 600 टोकन दे देते हो, देख सकते हो इधर 400 वाला है एंड 600 वाला है, आप लोग 600 टोकन दे देते हो, देख सकते हो इधर सुपर रिवाइवल, मतलब आप लोग इधर सुपर रिवाइवल आप लोग मारते हो तो 600 टोकन आपको पास लेगा। एंड जो आपका टीममेट उतरेगा वो EMP गन लेके उतरेगा एंड लेवल 2 का बेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट लेके उतरेगा जो सुपर रिवाइवल मारते हो। तो नॉर्मल में जो मिलता था वही आप सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा था सारा कुछ चेंजेस, क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा सब कुछ दिखा दिया इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जो उसे भी पता चले क्या कुछ आने वाला है हमारे गेम में। तो चलिए आज का वीडियो में मिलते हैं नया वीडियो।